हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पर हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। और एज यू ऑल नो, हम हमारी मॉडल के सीरीज में कई सारे मॉडल्स को पढ़ भी चुके हैं, मतलब हमने कैनकुड मे माइट पढ़ दिया है। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे उसको बताने से पहले हम कल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल मैंने आपको यूज टू पढ़ाया था। एज यू ऑल नो, यूज टू का फंडा मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली इसका मतलब होता है ताथा, तीथी और तेथे, क्योंकि पास्ट हैबिट को दिखाता है। बट अगर हम बात करें कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब इसके पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर यूज टू लगाएं तो उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और नॉर्मली यूज टू के बाद आप बी वन यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है आदि होना, जो कि प्रेजेंट को शो करता है, और ये दिखाता है आदि थे या आदि था, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉर्मल एक मॉडल के रूप में यूज करना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका वर्ब की वैली फॉर्म यानी कि टीच, क्या जाएगा, शी यूज टू टीच मी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर मुझे दिया है, आपका हृदय से धन्यवाद। आप लोग जुड़े और वीडियो को पूरा देख कर मुझे आंसर किया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, जहां पर हम देखेंगे आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल, वो है विल। देखो, नॉर्मली लोग विल और शैल को एक ही मानने की भूल करते हैं कि भाई उनका प्रयोग एक ही जगह होता है, एक जैसा होता है, तो वो नहीं है यार, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा ना। तो वो डिफरेंस जो है हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले विल का मतलब होता है गा गे गी, हिंदी में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये दिखाएगा आपका संभावना, किसी काम के होने की संभावना को ये दिखाएगा। जैसे कि मैंने कहा शी विल प्ले टेनिस, कि वह टेनिस खेलेगी, यहाँ पर सिर्फ एक संभावना व्यक्त की जा रही है, कन्फर्म दोस्तों कुछ भी नहीं है, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट प्ले टेनिस, ऐसा करके हो जाएगा, या विल नॉट को वोंट भी लिखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, विल नॉट को वोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कई बार आपने शॉर्ट में ऐसा करके लिखा होगा, ऐसा पढ़ा होगा शी, और इसको पढ़ते हैं शील, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर आपका शील, ही के लिए यहाँ पर आ जाएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको अपन, हील, ठीक है। तो ही विल ना पढ़ के इसको हील पढ़ते हैं शॉर्ट में, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं। तो पहला प्रयोग इसका हमने किया पॉसिबिलिटी या संभावना के लिए, सबसे पहले क्या दिखाता है ये, पॉसिबिलिटी या संभावना या प्रोबेबिलिटी। अगला प्रयोग हम इसका करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, जब किसी से किसी काम की हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कहा विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे, या विल यू सिट साइलेंट, क्या आप चुप बैठ जाएंगे। ये ज़्यादा फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं है, जनरली बोलते यार चुप हो जाओगे क्या, एक काम कर दोगे क्या, तो उसके लिए नॉर्मली हम विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बात और हमको ध्यान में रखना है कि नॉर्मली हम विल का प्रयोग करते हैं आई और वी को छोड़कर, जैसे कि मैंने बताया अभी संभावना के लिए, तो आई और वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करेंगे अपन, ये जनरल रूल होता है। जैसे कि मैंने कहा वे घर जाएंगे तो क्या बोलूंगा मैं, दे विल गो होम, ये एक जनरल रूल है। बट अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूंगा, मतलब यदि सेंटेंस में क्या हो, कोई थ्रेट हो, थ्रेट यानी क्या होता है, धमकी, कोई थ्रेट दे रहे हो आप, किसी को कर्ज कर रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, है ना, या धमकी मतलब प्रेशर डाल के कोई चीज बोलना कि ये काम करूंगा ही करूंगा, ये ऑब्लिगेशन वगैरह आप दिखाएंगे, तो फिर इसका प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ, काय के साथ करेंगे, आई और वी के साथ अदर सब्जेक्ट को छोड़कर। कैसे, जैसे कि मैंने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल किल यू, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर काय की बात थी, थ्रेट की। अब अगर थ्रेट की जगह अगला अगर हम यहां दिखाएं कि प्रॉमिस की भी बात कर दें, हमने कोई काम की प्रॉमिस कर दिया कि ये काम जरूर करेंगे, तो भी आई और वी के साथ का प्रयोग करेंगे, आई विल हेल्प यू, कि मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। अब डिफरेंस देखिएगा, आई शैल हेल्प यू मतलब यार तेरी मदद कर दूंगा, और आई विल नहीं, जरूर करूंगा चाहे कुछ हो जाए, समझ में आ गई ना। यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात भी कर सकता हूँ, मतलब मेरी हैबिट या कोई काम मैं कर कर ही रहूँगा, जैसे कि मैंने कहा आई विल गो टू भोपाल, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी अगर हमको दिखाना है।
जैसे कि मैंने कहा शी विल प्ले क्रिकेट, तो मतलब वो क्रिकेट खेलेगी। और अगर मैं जैसे मैंने बोला आई विल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा कि मैं क्रिकेट ज़रूर खेलूँगा, इसके चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा विल का प्रयोग हर जगह हम नहीं करते हैं, मतलब यह कि आई और वी के साथ नॉर्मली नहीं करते हैं, पर अगर सेंटेंस में क्या हो, स्ट्रॉन्ग जो है प्रोबेबिलिटी हो, या हम बात कर रहे हैं कि थ्रेट की बात कर रहे हैं, धमकी किसी को दे रहे हैं, ऑब्लिगेशन वाली बात कर रहे हैं कि ये काम करना ही पड़ेगा आपको, या हम बोल रहे हैं कि नहीं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ मेरा वादा है मैं ये सब ज़रूर करूँगा, तो फिर हम आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे इनकरेज ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम शेल को पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।